हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे कैमल और जाने की ऊंट। ऊंट की स्केचिंग करेंगे। तो ये मैंने चार कोल से यानी कि मार्कर से ऊंट का फेस बना दिया है। और देखो, धीरे धीरे से मैं इसे ड्रा कर रही हूँ। ये ऊंट की पीठ बना दिया है मैंने, और ये उसका बैक साइड बना दी है, और हल्के से मैं इसे ड्रा कर रही हूँ। तो इजी स्टेप है, इजी तरीके से हम ड्राइंग बना रहे हैं, लाइन आर्ट कहते हैं इसे। सो जो एक बार लाइन बना दी, जिसे ड्रा कर दी, उसे लाइन आर्ट कहते हैं। और ये मैं लाइन आर्ट की ड्राइंग कर रही हूँ आपके सामने, जो हमने कलर फिल नहीं करने हैं इसमें, सिर्फ ब्लैक मार्कर से ड्रा किया है। तो ये देखो, मैंने इसकी पूंछ बना दी है, और इसमें हल्के से टच करूँगी, यानि कि शेड दे दूँगी। और इसमें ये लगेगा कि ब्लैक एंड वाइट ही है, और डार्क शेड दे रही हूँ। देखो, इसके फेस में हमने थोड़ा सा पिक लगा दिया है, टिक लगा कर ये इसके गर्दन पर बाल बना दिए और शेड दिया है। देखो, इसे ब्लैक एंड वाइट स्केच कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट स्केच हो जाता है। तो मैंने ये ऊंट की टांग पर थोड़ा सा स्केचिंग कर दिया, इसे थोड़ी सी डार्क कर दिया, डार्क शेड दे दिया है। तो दूसरी टांग पर भी फिल कर देते हैं इसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे हम कलर भी फिल कर सकते हैं, तो कलर करना है तो कलर कर सकते हो, पर नहीं, मैंने ब्लैक एंड वाइट ही किया है इसे। ब्लैक शेड देते हैं तो अच्छा लगता है, कलर फिल करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैंने इसे शेड ही दी है, जो लाइन आर्ट में होता है, थोड़ा थोड़ा सा टच कर देना, उसे ही लाइन आर्ट कहते हैं। तो जैसे लगता है बस बिल्कुल असली सा स्केच बन जाता है। तो मैंने भी कैमल बनाया है आज, क्योंकि बच्चों के लिए इजी होता है, इजी सब्जेक्ट चुनने और उसको ड्रा करना, इसीलिए मैंने भी कैमल किया है, कैमल का सब्जेक्ट चुना। तो इजी इजी स्टेप से आपको बताया है। सो ये स्केच बनाकर तैयार हो गया, आप देख सकते हो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर